अक्सर लोग आप पे ये इल्जाम लगाते हैं कि आप जमीनी तौर पे नेता नहीं है, आप सोशल मीडिया नेता। सोशल मीडिया के नेता से ही अरविंद केजरीवाल इतना डरते हैं, पूरे पंजाब के प्रशासन और पुलिस को ही लगा देते हैं, तो बीजेपी का अगर कोई जमीनी नेता आ जाएगा फिर उनका तो मुझे लगता है क्या हो जाएगा। इंद्र जैन को लेकर काफी वीडियो आ रहे हैं, अब दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि क्या सिर्फ इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। नहीं तो बीजेपी ने थोड़ी उनको कहा था कि चुनाव आने वाले मसाज करा लिए, लेकिन वीडियो तो अभी वायरल हो रहे हैं, पहले भी हो सकते थे। उनको मसाज की जरूरत पड़ी तभी तो वीडियो आएगा बाहर। पंजाब पुलिस को सपना तो नहीं आएगा कि हाँ दिल्ली में एक व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बोला है इसलिए हमने दिल्ली में जाके अरेस्ट कर लिया। जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ FIR की थी उस व्यक्ति को अभी एक बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। आप कह रहे हो मैं दिल्ली को ठीक करूंगा, आप अपने 60 पार्षदों की रिपोर्ट कर दे दो कि हाँ मैंने ये 60 मुझे क्षेत्र मिले थे, इन 60 क्षेत्रों को मैंने ठीक कर दिया, इसलिए आज मैं आपसे 200 सीटें मांगता हूँ। लोग कहते हैं कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा काम करने पे फोकस कम करते हैं और ड्रामा ज्यादा करते हैं। अरविंद केजरीवाल ये सरकार के अंदर है और जिस भाषा में वो बात करते हैं उसी भाषा में उनको जवाब। तो आपको क्या लगता है, आप कंट्रोवर्सी किंग हैं? मीडिया को कंट्रोवर्सी लगता है, मैं तो देखो जिस भाषा में जो कहता है उस भाषा में जवाब देता हूं। समन न्यूज में आप सबका स्वागत है, मेरा नाम है पायल मोहंती। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के वो नेता जो दिल्ली की सड़कों पर नाव में घूमते हुए नजर आते हैं या फिर लुधियाना में कूड़े के ढेर के आगे नजर आते हैं, समझ गए होंगे आप मेरा इशारा। हम हैं तेजिंदर पाल बग्गा जी के साथ। नमस्कार जी, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया। देखिए जी, आपको कहा जाता है कॉन्ट्रोवर्सी किंग, ये आपके लिए सम्मान की बात है? अब ये तो मीडिया द्वारा दिया गया नाम है, तो हमें जो भी नाम देते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया जो भी नाम देते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कॉन्ट्रोवर्सी किंग है? नहीं, मैं तो अपनी तरफ से कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं करता, बट मीडिया को कंट्रोवर्सी लगता है, मैं तो देखो जिस भाषा में जो कहता है उस भाषा में जवाब देता हूँ। और अक्सर लोग आप पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप जमीनी तौर पे नेता नहीं है, आप सोशल मीडिया नेता। तो अगर एक सोशल मीडिया के नेता से ही अरविंद केजरीवाल इतना डरते हैं, पूरे पंजाब के प्रशासन और पुलिस को ही लगा देते हैं, तो बीजेपी का अगर कोई जमीनी नेता आ जाएगा फिर उनका तो मुझे लगता है क्या हाल हो जाएगा। सत्येंद्र जैन को लेकर काफी वीडियो आ रहे हैं, अब दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि क्या सिर्फ इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा? नहीं तो बीजेपी ने थोड़ी उनको कहा था कि चुनाव आने वाले मसाज करा लीजिए, चुनाव आने वाले आप ताज और एडिसन से खाना मंगाइए, ये तो वो मंगा रहे हैं। अब अगर वो मंगा रहे हैं तो दिख रहा है, लेकिन वीडियो तो अभी वायरल हो रहे हैं, पहले भी हो सकते थे, काफी 30 मई से वो अंदर है। नहीं तो जब ये जो वीडियो है 2 नवंबर के है, तो जब उनको मसाज की जरूरत पड़ी तभी तो वीडियो आएगा बाहर। चलिए ये तो हम जल्दी उन्हीं से पूछेंगे। अब हमारा अगला सवाल है, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का पंजाब पुलिस से बड़ा प्यार? नहीं नहीं, जितना मेरा उनसे प्यार है उतना ही उनको भी मेरे से प्यार है। पर हाथ नहीं लगा पाए आपको, वो जो केंद्र शासित राज्य है जैसे हरियाणा से भी बात करें, हरियाणा की सरहद से पार नहीं जा पाए आप? नहीं देखिए, मेरा पंजाब पुलिस से कोई ऐसा वो नहीं है, विरोध नहीं है, या कोई उनके लिए मेरा कोई ऐसा भी नहीं है, कोई नफरत है या कुछ है। देखो पंजाब पुलिस जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो पंजाब सरकार ने कहा वो कर रही थी, और मेरे जब अधिकारियों से अकेले में बात हुई जब वो मुझे अरेस्ट करके लेके जा रहे थे, उन्होंने कहा देखो जी हमें जो आदेश मिला है वो हम कर रहे हैं। तो मैं भी समझता हूँ उनकी मजबूरी है, जो उनको कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, और सब जानते हैं कि पंजाब पुलिस को पहले तो पंजाब में कुछ किया ही नहीं था, तो पंजाब पुलिस को सपना तो नहीं आएगा कि हाँ दिल्ली में एक व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बोला है इसलिए हमने दिल्ली में जाके अरेस्ट करना है। और जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ FIR की थी उस व्यक्ति को अभी एक बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है, सनी आहलूवालिया को। हाँ जी, तो इनाम भी दिया गया है, इनाम दिया गया आप आपकी कंप्लेंट करने का। ऐसे इनाम और किस किस को मिले? अब ये तो मुझे नहीं पता और किसको किसको मिला है, लेकिन सनी आहलूवालिया की मैंने न्यूज पढ़ी थी, क्योंकि मीडिया वालों ने दिखाया है कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कंप्लेन करने वालों को मिली इनाम, ऐसा करके खबर दिखाई थी, तो इसलिए मुझे पता है। अब जो हमारा आपसे अगला सवाल है वो ये है कि आप पूरे दिल्ली की बात करते हैं, आप पंजाब से भी आप काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, लुधियाना में आप स्पेशली कवर करने गए, हरिनगर में क्या डेवलपमेंट किया है? नहीं, हरिनगर से मैं तो चुनाव लड़ा नहीं, जो जो चुनाव जीता है
पर आप एरिया तो वही रिप्रेजेंट करते हैं ना? नहीं, एरिया में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरा विपक्ष के नाते मेरा ये मुद्दा है कि जो चीज़ें नहीं हुई वो चीज़ें होनी चाहिए। से हमारे क्षेत्र में आज से 7 साल पहले अरविंद केजरीवाल खुद आए थे, तो उन्होंने एक जगह पे ये कहा था कि गंदा पानी वहाँ पे लोगों को आता था कि मैं यहाँ पे साफ पानी लाऊंगा और ये प्लांट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मैं लगा रहा हूँ। आज अगर आप हरिनगर जाओगे तो वो बोर्ड वैसे का वैसे ही लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 7 साल बाद भी नहीं लगा। उन्हीं के विधायक ने, उस समय जगदीप सिंह विधायक होते थे, आज उनको टिकट नहीं मिली, दूसरे विधायक है, लेकिन दिल्ली सरकार का ये था, वो नहीं हुआ। मैं कल तिहाड़ के अंदर गया, तो मेरे यहाँ क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, तिहाड़ गांव के अंदर गया, तो उसके अंदर जो MCD का पार्षद भी उनका है और विधायक भी उनका है, सड़कें टूटी हुई है, नाली पे पानी बह रहा है और सफाई नहीं है, कूड़े की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, कूड़ा आप जहाँ पे उनके पार्षद है, मैं आपको कह रहा हूँ आप दिल्ली में हैं, आप दिल्ली में उनके 60-65 जो पार्षद जीते थे, आप किसी भी पार्षद के इलाके में चले जाए, रियलिटी चेक तो ऐसे ही होती है ना जी। आप कह रहे हो मैं दिल्ली को ठीक करूँगा, आप अपने 60 पार्षदों की रिपोर्ट कर दे दो कि हाँ मैंने ये 60 मुझे क्षेत्र मिले थे, इन 60 क्षेत्रों को मैंने ठीक कर दिया, इसलिए आज मैं आपसे 200 सीटें मांगता हूँ। तो अब वो 60 क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए, आरोप लगाना तो बहुत आसान है। अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग कौन सी है हरिनगर के? देखिए मुझे लगता है साफ पानी सिर्फ मेरे क्षेत्र ही नहीं, पूरी दिल्ली की एक मांग है सबका, क्योंकि पानी नहीं होगा साफ तो लोगों को बीमारियां होंगी, बीमारियां होंगी तो फिर लोग इनके मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे, और मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे तो फिर वो लोग जैसे अभी 3 बच्चे मरे वैसे मरेंगे। आखिरी जो सवाल है वो आप पे इल्ज़ाम है, लोग कहते हैं कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा काम करने पे फोकस कम करते हैं और ड्रामा ज़्यादा करते हैं, क्या आप भी ये मानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है? नहीं, मुझे अब लोग क्या कहते हैं, लोग मीडिया वाले ही कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। लोग पूरा कहते हैं, हम आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं। चलिए ठीक है, आप मुझे लिस्ट ज़रूर दिखाइएगा। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस भाषा में जानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये सरकार के अंदर है, और जिस भाषा में वो बात करते हैं उसी भाषा में उनको जवाब देता हूँ। अच्छा, उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं तजिंदर पाल सिंह बग्गा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया था सबने से बात। थैंक यू सर। थैंक यू।